सर, तो आज की स्टोरी में बात कर रहे हैं फेसबुक पेज, यानी कि आप जो फेसबुक पे पेज बनाते हैं, चाहे आपका है कोई कंपनी हो या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल है या फिर किसी भी तरह का आपका फेसबुक का पेज है, तो उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो कैसे करना है। तो इस स्टोरी में यही बताने वाला है आपको पेज को प्रमोट करने का सही तरीका कौन सा है, क्योंकि आप बिना जाने पेज प्रमोट करने जाओगे तो उस कैटेगरी में या फिर कहीं पर गलती कर दोगे, और जब भी आप प्रमोट करने के लिए पैसे दे दोगे तो आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इस स्टोरी को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस स्टोरी में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, आपको कैटेगरी वाइज, आपकी जो पेज की कैटेगरी वाइज आपको कैसे प्रमोट करना है बिल्कुल सही तरीका आपको दिखाने वाला हूं, और अपने पेज को भी प्रमोट करके आपको दिखाने वाले इस वीडियो में, और ऐड कैसे करना, पेमेंट वगैरह सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा, और आपको सब कुछ अपने मोबाइल की स्क्रीन में जाकर दिखाने वाला हूं, लैपटॉप से भी कर सकते हो और मोबाइल के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अभी तक वीडियो लाइक नहीं है लाइक कर लीजिए, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ऐसे अनडाउट मिलते रहेंगे और भी बहुत सारे कैटेगरी चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और साथ साथ इस पेज को भी लाइक करना। चलिए करते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। सो गाइज, आ चुके मोबाइल के स्क्रीन पे। अब जाएंगे फेसबुक एप्लीकेशन में, आप अपने ब्राउजर से भी कर सकते हो, जैसे कि आप क्रोम वगैरह यूज़ करते हो उसमें आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर रखा है और उसमें पेज भी है, तो फिर उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम तरीका होगा। तो अब क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक कर देना है और आपके पेज पर चले जाए, जो कि यहाँ पे मेरा पेज है और आपका भी यहाँ पे ही पेज देखने को मिल जाएगा। तो पहले पेज क्रिएट करना है, मैंने पेज क्रिएट का वीडियो बनाया शायद, तो आप फेसबुक प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे इस पेज को ओपन कर लेते हैं, और ये रहा हमारा पेज जो कि अपनी चैनल के लिए पेज बनाया है, जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं करता मैं पर्सनली, ज़्यादा लाइक्स भी नहीं है, मतलब पेज की लाइक्स भी नहीं है, ज़्यादा वीडियोज़ भी अपलोड मैंने नहीं किए, लेकिन यूज़ करता हूँ, अगर कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह या मैसेज वगैरह करना है तो कर सकते हैं यहाँ से लाइक करके। तो चलिए यहाँ पे अब प्रमोट करना है इस पेज को कैसे करना है, तो इसके लिए देखिए 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, दोनों जगह सेम तरीके पे जाओगे, मतलब दोनों वे आपके पास है, तो यहाँ पे ऊपर एड्स देखने को मिल जाएगा और दूसरा यहाँ पे प्रमोट, आप दोनों कहीं पे क्लिक कीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप उसी जगह पहुँचेंगे जहाँ पर हमें पहुँचना है। देखिए एड्स पर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, वो भी आपको दिखाता हूँ, और साथ साथ में प्रमोट पर क्लिक करेंगे तो भी आप उसी जगह पर पहुँच जाएंगे। तो देखिए पहले तो ये है कि आपको पहले गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स, इसका मैं अलग से वीडियो दे दूंगा, क्योंकि मुझे ये पर्सनली अभी नहीं करना तो इसको मैं छोड़ देता, लेकिन आपको करना है तो कर सकते हो, मैं इसका अलग से वीडियो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक से मैं क्योंकि अलग से वीडियो समझाऊंगा तभी आपको पता चलेगा। बूस्ट पोस्ट, अब देखिए पर्टिकुलर कोई पोस्ट आपको टारगेट करके उसको बूस्ट करवाना है तो उस पर क्लिक कीजिए, जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं अपने डेमो के लिए यूज़ किए करने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते कुछ वीडियोस पे व्यूज़ 1 आया या इस तरह से कुछ चला, ये अच्छा खासा चल रहा है, और कुछ वीडियो अच्छी तरह से चल रहे हैं, कुछ वीडियो नहीं चल रहे, तो अब देखिए मुझे वीडियो चल रहे उसका तो मैं प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन नहीं चल रहे उसको प्रमोट करना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं इस वाले टारगेट करता हूँ, तो इसकी अब जो डिटेल्स आगे की होगी वो यहाँ पर भरनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटेड और कैसे चाहिए आपको, मोर वीडियोस पे व्यूज चाहिए, मैसेज चाहिए, क्या चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे आपको गोल होना चाहिए, तो इसका भी अलग से मैं भी अगर पर्टिकुलर टारगेट पे आपको प्रमोट करना है तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, लेकिन आज हमें पेज यहाँ पे प्रमोट करना है तो इसको हम स्किप कर लेते हैं। देखिए पहला है प्रमोट फेज तो है ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये भी समझा लेते हैं, गेट मोर वेबसाइट विजिटर, मतलब कि आपको अपने विजिट ही करवाने हैं लोग या फिर लाइक्स वगैरह चाहिए, तो विजिट करवाने के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा, कौन से क्या विजिट करना चाहेंगे वो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, और बजट वगैरह यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, कितने दिन के लिए ऐड चलना चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो बैक चले आते हैं, और फिर यहाँ पे कॉल्स आपको चाहिए, तो बार बार आपके कॉल्स चाहिए तो आपको पेज में अपना मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बटन आ जाता है यहाँ पर, मोबाइल नंबर का ऑप्शन भी आ जाता है, तो ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद ये प्रमोट करना है, और बंदे को कुछ काम वगैरह होगा तो आपको एड्स के थ्रू या फिर उस नंबर के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करेगा, या फिर आपको जो भी आपकी डील करनी हो कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन, किसी की इंफॉर्मेशन आपको आपके पास आनी चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहते हो इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, और बाकी कुछ मैसेजेस वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमें अभी ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करते, तो हमें बात करनी है प्रमोट योर पेज, तो चलिए इसमें हम क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक करने के बाद देखिए हमारा पेज का प्रमोशन यहाँ पर होने वाला है, तो पेज कौन सा था, टेक्नोनीर, और ये आप ऊपर देख भी सकते हो, मिल जाएगा आपको। अब इस देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे नीचे चले आते हैं, और पहले है स्पेशल्स कैटेगरी, उस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे स्पेशल्स कैटेगरी, अब देखिए स्पेशल कैटेगरी मतलब आपका पेज के हिसाब से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पर देखिए हाउसिंग, सोशल, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, ये हमारी कैटेगरी नहीं है, हाउसिंग भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर,
तो इसमें से आपका पेज नहीं आता तो इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, आपको जाने देना इसको और फिर से नीचे चले आना है। और फिर से यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और आप अपनी एज मतलब व्यूवर्स की एड जो आप एड चलाना चाहते हैं वो किसको देखेंगे, किसने कितने एज वाले को दिखेगी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं 65 को तो नहीं देखूँगा क्योंकि मेरा जो कैटेगरी है उसके हिसाब से तो 40 के अंदर ही रहना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा टेक वाले नहीं होंगे, ज़्यादा एज वाले। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ऊपर लोकेशन मतलब आ जाता है इंडिया, फिर क्या यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ कैटेगरीज वगैरह आपको यहाँ पे डालनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ यूट्यूब, यहाँ पे मैं यूट्यूब को सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए यूट्यूब, फिर फेसबुक, यहाँ पे फेसबुक नीचे सब कैटेगरी भी आ जाएगी तो आप डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से सोशल मीडिया, फिर यहाँ पर इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप, फिर फेसबुक मैसेंजर और सोशल मार्केटिंग, ये बिल्कुल यहाँ पे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, फिर यहाँ पे हमारा रहेगा एडवर्टाइजिंग, फिर यहाँ पे रहेगा जितने थे वो ज़्यादा मैंने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत गूगल भी कर लेते हैं और ओके गूगल कर दिया मैंने, ठीक है फिर ज़्यादा नहीं करना, ट्विटर भी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने करने का जितना करना है आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा, ये हमारी इंटरेस्टिंग बात हो चुकी है, मतलब जो इंटरेस्ट वाले को ये जो इंटरेस्ट इसमें इंटरेस्ट होगा वही उन लोगों को पेज का प्रमोशन दिखेगा उनको। अब एज सेलेक्ट कर दिया, इंटरेस्ट सेलेक्ट कर दिया, फिर मेल और फीमेल दोनों को चाहिए कोई दिक्कत नहीं है तो ऑल ही रखेंगे। फिर यहाँ पे सेव ऑडियंस पे आपको क्लिक कर देना ताकि ऑडियंस सेव हो जाएगी कैसी ऑडियंस आपको चाहिए, ये हो गया। अब इसके बाद नीचे चले आना और अब डेली बजट यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मंथली बजट नहीं है लेकिन डेली का कितने रुपए का आप प्रमोट करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए 77 का इसका रीच जो ईच है वो है 395 यानी कि ऑलमोस्ट 400 के आसपास लास्ट आपको लाइक्स तो मिलेगी प्लस 1001 तक आपको मिलेगी पर डे, क्योंकि आप पेज प्रमोट करें तो पेज पे लाइक मिलेगा, अगर आप कोई वीडियो प्रमोट करते हैं तो उसको वीडियो पे व्यूज़ मिलेगा और उसके बाद वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर सकता है आपका पेज। तो यहाँ पे अलग अलग डेली बजट है, आप देखेंगे 100 का कितना मिलेगा, 140 350 उसके हिसाब से है। आपको अपना बजट सेलेक्ट करना है तो क्रिएट ओवन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट करके आप अपना बजट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे 30 में कर लेता हूँ तो इसकी रेंज यहाँ पे देख सकते हो कितनी होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी। अगर मैं 30 सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए 152,440 पीपल पर डे। आप डेमो कर सकते हो, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा नहीं करना तो फिर आपका डेमो 20-10 रुपये 30 रुपये करके आप कर सकते हो और आ रहे अच्छे खासे पेज लाइक्स वगैरह आ रहे तो फिर आप दूसरी ऐड भी चला सकते हो। और ऑटोमेटेड कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा। अब कब से स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट कब होना चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा और स्टार्ट टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो नाउ हमारा अभी पब्लिश होना चाहिए तो कितने दिन तक चलने वाला है ये तो आपको मैं एक ही दिन में सेलेक्ट करूँगा, लेकिन आपको मैक्सिमम 5 दिन 10 दिन जितने भी करना है वो कर सकते हो। तो फिलहाल मैं एक दिन चेक करूँगा, अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है जो कि 20 रुपये का मैंने यहाँ पे ऐड चलाया और 101 लाइक मिलने वाले ऐसा बताया गया तो इतने मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं ऐड रन करूँगा और कैंपेन रन करूँगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड मिल जाएगा, ऐड पेमेंट मेथड पे आपको क्लिक करना और नीचे कितना पेमेंट आपको देना वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो 20 रुपये तो मिलेंगे देने ही देने, लेकिन उसमें एस्टिमेटेड टैक्स जो होता है वो एक्स्ट्रा देना होता है, पैज के हिसाब से होगा। तो मेरा 20 का 3.60 टैक्स देना होगा, मतलब टोटल 23.60 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे। तो पे करने के लिए पेमेंट मेथड ऑप्शन में यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे डेबिट से ही यहाँ पे करना है। तो आप UPI से भी कर सकते हो, पेटीएम से भी कर सकते हो और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके लिए मैं सेलेक्ट ऑलरेडी मैंने कर रखा है तो यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। लेकिन जो ऊपर एरर आ रही थी पहले कि वेरीफाई और बिजनेस वाला, तो यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह देना होगा क्योंकि आपका बिजनेस क्या है वो यहाँ पे आपको देना है। तो नेम, फिर यहाँ पे बिजनेस एड्रेस यहाँ पे देनी है। तो फटाफट ये दे देते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपने कभी ऐड नहीं किया है तो ये ऑप्शन आएगा। तो फटाफट मैं नेम दे देता हूँ, ऊपर GST नंबर और पान का ऑप्शनल है लेकिन आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हो अगर आपके पास है तो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नेम ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं नेम एड्रेस सब कुछ यहाँ पे डाल दिया तो नीचे सेव पे क्लिक करते हैं। मैं अभी एड्रेस वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन आपको मैंने ऐड कर दिया तो सेव पे हम क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे नेम ऑफ कार्ड, तो यहाँ पे फटाफट हमारा जो कार्ड पे नेम है वो यहाँ पे दे देते हैं। सो नाम, यहाँ पे कार्ड नंबर, मंथ और CV नंबर सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है। फिर यहाँ पे सेव पे हम क्लिक करते हैं। जैसे सेव पे क्लिक किया तो ये रिक्वायर्ड जरूरी यहाँ पे टिक मार्क करना जरूरी है तो सेव पे हम क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद सेव जैसे किया तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए एक OTP आया तो यहाँ पे हम OTP को पेस्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे सबमिट पे हम क्लिक करते हैं।
अब जैसे कार्ड वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे ऊपर लिखा है मास्टर कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब वेरीफाई योर कार्ड मतलब यहाँ पे 3 डिजिट का कोड, यहाँ पे आपका जो पीछे का मतलब जो डेबिट कार्ड होगा उसका पीछे का जो अंक है वो यहाँ पे डाल देना है। तो फटाफट यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद सेव पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ऐड टू प्रीपेड बैलेंस मतलब अब ऐड करने के लिए आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो पहले कार्ड वगैरह वेरीफाई करना होता है, उसके बाद ऐड हो जाएगा। अब जो ATP वगैरह आएगा वो आपके मतलब डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट वगैरह ऐड हो जाएगा। देखिए अब जो OTP आएगा वो पेमेंट करने के लिए मतलब आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास OTP भी आ चुका है। तो यहाँ पे OTP को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और फिर मेक पेमेंट पर हम क्लिक करते हैं। पहले जो OTP आता है वो वेरीफाई करने के लिए, कार्ड वेरीफाई के लिए आता है, लेकिन दूसरा जो OTP आता है वो पेमेंट करने के लिए आता है। तो फटाफट उस हिसाब से आप डाल दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली फुली एडेड और डन पे हम क्लिक करते हैं। तो पहले तो पेमेंट ऐड करना होता है, पेमेंट ऐड करने के बाद प्रमोट करना आता है। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये सब कुछ आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है और इसमें सही सही है तो आपको कुछ नहीं कहा, सिंपली आपको नीचे जो प्रमोट पेज जहाँ पे लिखा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू बूस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। आप एड मनी भी कर सकते हैं लेकिन कंटिन्यू बूस्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कंटिन्यू बूस्ट पे हम क्लिक किया तो यहाँ पे आप मे बी यहाँ पे इन रिव्यू में जाएगा अभी ये, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएटिंग एड हमारे हो चुकी है और अब रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो इन रिव्यू में चला गया है और अब ये रिव्यू होगा, 24 घंटे वेट करना होगा, उसके अंदर अंदर आपका ऐड चलने हो जाएगा। मतलब रिव्यू होगा, ऐड बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रमोट सही मतलब पेज सही सही है, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे आप, बिल्कुल सही है, उसकी पॉलिसी के अंदर आता है। तो फिर ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन रिव्यू भी चल रहा है और थोड़े टाइम के बाद आप यहाँ पे आके देखना तो ये रनिंग में चले जाएगी। और यहाँ पे कब से कब तक चलेगी वो यहाँ पे दिखा रहे हैं यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे डिटेल्स दी है, डेली बजट वगैरह, तो ये इंक्रीज लिमिट ये इसको छोड़ देते क्योंकि एरर आपने ऐड कर दिए पैसे, और ड्यूरेशन 1 डे के लिए है, और एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट कितना मिलेगा वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बारे में जानकारी के लिए आपको मैनेज पे क्लिक करना है और मैनेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी ऐड के बारे में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको इन रिव्यू में होगा तो इन रिव्यू दिखेगा और रनिंग में होगा तो रनिंग में दिखेगा। तो मेरा अभी जो अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो रनिंग में होने के बाद कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हो यहाँ पे रनिंग है और 3 घंटे अभी बाकी में इस ऐड के, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। और बाकी और भी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी, लाइक्स कितने आए हैं और रीच कितना है, सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल्स बाकी सब कुछ मिल जाएगी। तो ये था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।